हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज देवाशीष मिश्रा हियर। आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे उस चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्ट्रेस किस तरह का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, स्ट्रेस टेंसर क्या होता है। उसके बाद ये बेसिक्स जानने के बाद हम पढ़ेंगे कि बॉसिनस इक्वेशन कैसे डिराइव की जाती है, वो क्या होता है और उसको किस तरह से प्रोसीडर वाइज डिराइव किया जाता है। उसके बाद हम लोग आइसोबार डायग्राम क्या होता है वो देखेंगे। वर्टिकली लोडेड सर्कुलर एरिया में किस तरह से हम निकालते हैं स्ट्रेस वो देखेंगे, और हम लोग थोड़ा बहुत न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट के बारे में पढ़ेंगे और वेस्टरगार्ड एनालिसिस क्या होता है थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर को मैं शुरू करता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहले थोड़ी सी बेसिक्स जान लें, उसके बाद हम चैप्टर के अंदर घुसेंगे। तो पहले तो है स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे स्ट्रेस निकालेंगे। सो द टोटल स्ट्रेस फील्ड ऑन एनी थ्री डायमेंशनल एलिमेंट is determined by following stresses. Is determined by following stresses. Sigma xx, सिग्मा वाई वाई और सिग्मा जेड जेड, यहां पर आएगा टाउ वाई एक्स, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई जेड। मतलब ये एक्स कॉलम है, ये एक्स की रो है, वाई की रो है और एक्स जेड की रो है, इस तरह से मान के चलिए। ठीक है, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं स्ट्रेस की, कि टोटल स्ट्रेस किसी भी 3D एलिमेंट पे कितनी गिरती है। वो टोटल स्ट्रेस को हम लोग एक मैट्रिक्स के आधार पे लिख सकते हैं, और वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे आपकी जो सिग्मा है वो डिनोट करती है नॉर्मल स्ट्रेस, और जो टाउ है इट डिनोट्स, टाउ हियर डिनोट्स द शियर स्ट्रेस। इतना समझ में आ रहा है कि सिग्मा जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस डिनोट करती है और टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस डिनोट करता है। तो ये जो 9 स्ट्रेसेस हैं ये कुल मिला के बनाते हैं हमारा, इसको कहा जाता है स्ट्रेस टेंसर। क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस टेंसर। इसको स्ट्रेस टेंसर कहा जाता है। जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं ये, जैसा कि मैंने कहा, ये क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रेस होती है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स होती है। एंड द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर नथिंग बट शियर स्ट्रेसेस। So, remember कि यहाँ पे हर कोई स्ट्रेस, मान लो कि आप मैं लेके चलता हूँ कि सिग्मा एक्स एक्स को, या फिर यहाँ पे लेके चलो कि सिग्मा टाउ एक्स वाई, कुछ भी ये लेके चलो या फिर ये लेके चलो टाउ एक्स वाई, ये जो है डिनोट करती है यहाँ पे, इट सिग्निफाइज। इस नोटेशन से हमें क्या पता चलता है कि वो किस प्लेन पे एक्ट कर रही है और किस डायरेक्शन पे एक्ट कर रही है और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, ये तीनों चीजें हमको पता चलती हैं। इस
नोटेशन से, ये नोटेशन जो है इस तरह का, इस नोटेशन से हमको तीन चीजें पता चलती है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है और वो किस प्लेन पे एक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिग्मा एक्स एक्स की बात करूं, या फिर इसको सिर्फ आप सिग्मा एक्स लिख सकते हो, जिस तरह सिग्मा वाई वाई को आप सिर्फ सिग्मा वाई लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप सिग्मा जेड जेड को सिर्फ सिग्मा जेड भी लिख सकते हो, तो ये जो सिग्मा एक्स एक्स कहने का मतलब ये होता है, इट सिग्निफाइज दैट द नॉर्मल स्ट्रेस, इट सिग्निफाइज दैट द नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन द फेस ऑफ द एलिमेंट, ऑन द फेस ऑफ द एलिमेंट दैट इज perpendicular to the x-axis and the stress is acting along x-axis। समझ आ रहा है? यानी कि सिग्मा x एक्स से ये पता चलता है कि एक एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो दिस सिग्मा इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अनदर एक्स डिनोट्स कि इसकी डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस की तरफ है। जैसे कि मैं अगर टाउ एक्स की, टाउ एक्स वाई की बात करूं, तो टाउ एक्स वाई हमने कैसे डिनोट किया, क्या कर रहा है डिनोट, इट इज डिनोटिंग दैट इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस and in direction of y axis। तो इस पैटर्न को पकड़ लो, पहली जो चीज है परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस, दूसरी जो चीज है इन डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सिस। समझ में आ रहा है? मतलब टाउ एक्स वाई का परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड इन डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। मैंने दोनों एग्जांपल देके आपको बताया कि नॉर्मल स्ट्रेस को, नॉर्मल स्ट्रेस क्या डिनोट करता है, उसकी नोटेशन कैसे लिखी जाती है और वो क्या डिनोट करता है, और टाउ एक्स वाई क्या डिनोट करता है। मैंने यहाँ पे कहा तीन चीज डिनोट करती है, एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन, एक है किस प्लेन पे एक्ट करती है। इन दोनों चीज से हमें प्लेन तो पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस जो प्लेन होगा, यहाँ पे समझ में, जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एक्ट कर रही है। मैग्नीट्यूड ये टाउ मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है। मतलब और एक लेते हैं, फॉर एग्जांपल टाउ वाई जेड, ये टाउ वाई जेड कहां एक्ट करता होगा, सोचो। टाउ तो डिनोट कर रहा है इसकी मैग्नीट्यूड, वाई इन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ऐसा प्लेन जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उस पे एक्ट करेगा, और जेड क्या एक्ट करेगा, इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। और पकड़ लो जैसे कि ये वाला पकड़ लो टाउ जेड एक्स, tau zx का मतलब क्या होगा, tau represent करेगा magnitude, z represent करेगी in perpendicular to z axis, यानी कि ऐसी plane जो z axis के perpendicular हो, और x denote करता है in direction of x axis। so this is how it is being represented, ये हो, इसी को कहते हैं stress tensor। समझ में आ रहा है? figure कर दूं तो और भी clear हो जाएगा। for example आप देखो इस figure को, एक 3D एलिमेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं,
ये एक 3D एलिमेंट मैंने बताया बनाया है यहाँ पे, ये मेरी साइड ए ए वन है, ये मेरी साइड बी बी वन है, ठीक है, ये मेरी साइड जो है ये सी सी वन है, और ये वाली साइड जो है बी बी वन है, ए बी ए वन बी वन आगे की तरफ है, सी डी सी वन डी वन जो है पीछे की तरफ है, समझ में आ रहा है, कैन यू विजुअलाइज इट, ओके ट्राई टू। अब देखो किसी भी प्लेन में, किसी किसी एक प्लेन में आप पकड़ लो, जैसे कि मैं पकड़ता हूं ये वाली प्लेन इस तरफ की, ठीक है, बी डी बी वन डी वन मतलब ये वाली प्लेन पकड़ रहा हूं, इस तरह से है वो प्लेन, ये वाली प्लेन ये, ठीक है, इस प्लेन पे तीन स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे, ठीक है, एक तो इस प्लेन के नॉर्मल एक्ट करेगी, ठीक है, और एक इसके और दो इस पे शेयर एक्ट करेंगे, शेयर फोर्सेस, समझ में आ रहा है, दो क्या एक्ट करेंगी, शेयर फोर्सेस। तो बिकॉज ये प्लेन अगर आप देखो ये क्या है, ये सिग्मा होगा, ठीक है, दिस विल बी सिग्मा, ये दो क्या होगी, टाउ होगी। अब इसका नोटेशन हम खुद देंगे, बताओ ये प्लेन जो है, अच्छा ये एक्स एक्सिस है मान लो, ये वाई एक्सिस है मान लो, ये जेड एक्सिस है। अब हम जिस प्लेन को हमने चूज किया है वो प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, वो प्लेन है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे टाउ वाई और टाउ वाई होगा, जिसके परपेंडिकुलर है, जिस एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दिस इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, मतलब वाई वाई आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा जिस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ये कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग इन द जेड डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये एक्स की डायरेक्शन से, सो दिस इज टाउ वाई जेड, दिस इज टाउ वाई एक्स, और ये जो है सिग्मा ये किस तरफ एक्ट कर रहा है, दिस विल बी सिग्मा y y perpendicular to y in direction of y, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से किसी भी प्लेन पे हम स्ट्रेस निकालते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं ऊपर वाले सरफेस की, ठीक है, ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये वाला, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा, या फिर मैं इसको नीचे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये इस तरह से है ऊपर वाला सरफेस a C, B, D। अब इस प्लेन को थोड़ा देखना, ये प्लेन जो है किसके परपेंडिकुलर है, Z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे तीन स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे इन दी लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो एक्ट कर रही है इस प्लेन को, ये नॉर्मल स्ट्रेस है और ये जो है टाउ है, समझ में आ रहा है, कितनी इजीली मैं नोटेशन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो नॉर्मल एक्ट करेगी वो ZZ होगी, परपेंडिकुलर टू Z एंड इन डायरेक्शन ऑफ जेड, ठीक है। अब ये देखो, यहां पे आप देखो कि ये जो है किसको परपेंडिकुलर, जेड को परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये प्लेन जेड को परपेंडिकुलर है, तो ये जेड और जेड, समझ में आ रहा है। अब एक इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि इस तरह से आप लिख दोगे, जब मैंने ये सिग्मा जेड जेड लिखा तभी मुझे पता चल गया कि ये टाउ जेड और टाउ जेड होगा, जब मैंने वहां पे सिग्मा वाई वाई लिखा तो इसका मतलब है टाउ वाई होगा, जब मैं सिग्मा एक्स एक्स लिखूंगा तो क्या होगा वो टाउ एक्स और टाउ एक्स, समझ में आ रहा। दूसरी जो डायरेक्शन बताती है वो हम देखेंगे, ये वाली डायरेक्शन किस तरफ, ये वाली वाई तरफ है, तो ये हो जाएगा टाउ जेड वाई, ये किस तरफ दिखा रही है, इस तरफ दिखाएंगे, तो दिस विल बी टाउ जेड एक्स, समझ में आ रहा। उसी तरह से आगे वाले प्लेन पे भी हम निकाल सकते हैं, जो आगे वाला फेस है ना, आगे वाला ये वाला फेस समझ में आ रहा है। अगर इसकी भी मैं निकालूं यहाँ पे ए ए वन बी और बी वन, तो इस प्लेन पे ये प्लेन किसको परपेंडिकुलर, अच्छा इसमें जो तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक तो बाहर की तरफ इस तरह,
एक यहां और एक यहां, ये जो है ये नॉर्मल है और बाकी दोनों क्या होगी, टाउ होगी। अब ये जो है x एक्सिस पर है, टाउ सिग्मा xx, अभी मैंने ट्रिक बताया था, तो ये टाउ x होगा, टाउ x होगा, समझ में आया। ये किस डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में टाउ xz, और ये किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, ये टाउ xy। इसी तरह से आप पीछे वाली प्लेन्स के लिए, अब ये तीन प्लेन्स हमने कवर कर दी, और तीन प्लेन्स हैं क्योंकि ये क्यूब है, उसकी 6 साइड्स हैं, 6 प्लेन्स हैं, तो हमने तीन प्लेन्स कवर कर ली, तो बाकी के तीन प्लेन्स पे भी फोर्सेस एक्ट करती होंगी। और इससे ये पता चलता है, अगर आप विजुअलाइज करो इस चीज को, तो इससे ये आपको पता चलेगा कि आपकी जो टाउ एक्स वाई है, जब आप इसको ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा कि जो टाउ एक्स वाई है वो और कुछ नहीं, टाउ वाई एक्स के बराबर है। टाउ एक्स जेड जो है वो टाउ जेड एक्स के बराबर है, और टाउ वाई जेड जो है वो टाउ जेड वाई के बराबर है। मतलब इन 6 कंपोनेंट्स में किन्हीं तीन को अगर आप इंडिपेंडेंट मान के चलो, तो बाकी तीन को आप डिपेंडेंट मान के चल सकते हो। तो कुछ कुल मिला के अगर आप सोचो, तो कुल मिला के कितने इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस हैं, अगर मैं बताऊं तो टोटल 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस आपको मिलेंगे। और ये 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस क्या क्या है, तीन तो है नॉर्मल स्ट्रेसेस जो कि इंडिपेंडेंट है, और तीन है शेयरिंग स्ट्रेसेस, बाकी तीन की जो है वो डिपेंडेंट स्ट्रेसेस है, ठीक है। तो टोटल 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस होती है, समझ में आ रहा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से ये जो जैसा हमने लिखा है, ठीक इसी तरह से हम स्ट्रेन का भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट स्ट्रेन, समझ में आ रहा। अच्छा, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से हम स्ट्रेन का लिख सकते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेन टेंसर की बात करूं, तो हूबहू जैसे मैंने स्ट्रेस टेंसर के बारे में बताया था। स्ट्रेसेस कितने टाइप के, दो टाइप के, एक नॉर्मल है और दूसरा है शेयरिंग स्ट्रेस। उसी तरह से स्ट्रेन जो है दो तरह की आप कह सकते हो, एक है लीनियर, सॉरी स्ट्रेन, तो लीनियर स्ट्रेन एक होता है, दूसरा होता है शेयरिंग स्ट्रेन। जिस तरह से नॉर्मल स्ट्रेस होता है उस तरह से लीनियर स्ट्रेन होता है, जिस तरह से शेयरिंग स्ट्रेस होता है उस तरह से शेयरिंग स्ट्रेन होता है। फर्क बस इतना है कि स्ट्रेन टेंसर में जो स्ट्रेन टेंसर होता है फॉर ए 3D ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट, उसमें भी 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेन कंपोनेंट्स होती है। और ये लीनियर स्ट्रेन जो होता है इसको एप्सिलॉन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इट वुड बी एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड, या फिर एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, समझ में आ रहा है। और जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा के थ्रू, तो यानी कि ये क्या होगा, गामा एक्स वाई, गामा वाई जेड एंड गामा जेड एक्स, और इसके ऊपर डिपेंड करने वाली और तीन शेयरिंग स्ट्रेन्स, समझ में आ रहा है। बस नोटेशंस थोड़ा सा चेंज करना है, जैसे कि यहां पे है गामा एक्स वाई तो हम लिखेंगे गामा वाई एक्स, यहां पे है गामा वाई जेड तो हम लिखेंगे गामा जेड वाई, यहां पे है गामा जेड एक्स तो लिखेंगे एक्स जेड। तो टोटल कितनी हुई, ये 6 और ये 3, 9 हुई। और एक रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि जो एप्सिलॉन होता है, जैसे कि एप्सिलॉन एक्स वाई, इट इज हाफ ऑफ गामा एक्स वाई, इस चीज को आप याद रखना, ये एक नोटेशन, ये एक रिलेशन होता है इनके बीच। तो आप अगर उस स्ट्रेस टेंसर को कंपेयर करूं और यहाँ पे लिखूं, देखो स्ट्रेस टेंसर को पहले कंपेयर करके लिख रहा हूं, उसके बाद चेंजेस लाएंगे। ये देखो हूबहू जैसे वहां पे दिया है उस तरह से मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, पहले क्या है सिग्मा एक्स एक्स, तो यहां पे क्या आएगा एप्सिलॉन एक्स एक्स,
यहां पे क्या आएगा एप्सिलॉन yy, यहां पे क्या आएगा एप्सिलॉन zz, जैसे वहां पे है यहां पे वैसे ही है, वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस दिख रहा था डायगोनल एलिमेंट्स में, यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स में लीनियर स्ट्रेन दिखाई दे रहा है। टाउ xy है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं एप्सिलॉन xy, यहां पे क्या है टाउ xy और यहां पे एप्सिलॉन xz, उस तरह एप्सिलॉन yz, ये क्या है एप्सिलॉन zy, एप्सिलॉन zx और एप्सिलॉन yx, जैसे कि आप ये x की रो y की रो और z की रो मानते चले जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि एप्सिलॉन मैंने यहां पे क्यों लिखा, गामा क्यों नहीं लिखा, गामा लिख दो फर्क क्या पड़ता है, लेकिन गामा की वैल्यू जो है हाफ टाइम्स दिस मच है, गामा लिख दो क्या फर्क पड़ता है, तो ये क्या होगी हाफ गामा xy हाफ गामा xz, ये आ रहा है हाफ गामा yx, ये आ जाएगा एप्सिलॉन yy, ये आ रहा है हाफ गामा yz, ये कितना आ रहा है हाफ गामा zx, ये आ रहा है हाफ गामा zy और ये आ रहा है एप्सिलॉन zz, इस तरह से। ये बेसिकली होता है हमारा स्ट्रेन टेंसर, समझ में आ रहा है, इस तरह से स्ट्रेन टेंसर लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बातें थी बेसिक्स की कि किस तरह से निकाला जाता है और क्या किया जाता है, अब हम बॉसिनेस इक्वेशन पढ़ेंगे कि बॉसिनेस इक्वेशन क्या है, समझ में आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बॉसिनेस इक्वेशन यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। तो बॉसिनेस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1885 में इसके ऊपर स्टडी की थी, क्या स्टडी किया था कि स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड पोर्शन ऑफ अ सॉइल। अगर एक सॉइल है ग्राउंड सरफेस है जहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेटेड लोड डाला हुआ है, तो उसके वजह से किस तरह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द सॉइल, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट नीचे सॉइल के नीचे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कितनी स्ट्रेस होगी, वो पहली बार जिसने सॉल्व किया था वो थे बॉसिनेस इन 1885। सो बॉसिनेस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल्स ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट द ग्राउंड सरफेस बाय एज्यूमिंग, इन्होंने एक एजम्पशन लिया था ऑफ ए स्ट्रेस फंक्शन, लॉगरिथमिक स्ट्रेस फंक्शन, वो क्या है ड्यूरिंग डिराइवेशन आई विल टेल यू, जो चीज इन्होंने एजम्पशन लिया था। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या मान के या फिर क्या एज्यूम करके चला था कि सॉइल कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एजम्पशंस की बात बता रहा हूं, तो पहली एजम्पशंस इन्होंने ये मानी थी, बॉसिनेस ने ये माना था कि सॉइल जो है वो इलास्टिक है और इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। तो ये पहली assumption थी कि soil जो है elastic है, the soil mass is elastic medium for which E remains constant. E क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ में आ रहा है। आगे पढ़ते हैं, इन्होंने कहा कि सॉइल जो है वो होमोजेनियस होगा, इन्होंने ये भी कहा कि सॉइल जो है सेमी इनफिनाइट है, मतलब ग्राउंड सरफेस के नीचे जो है वो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, इट्स अ सेमी इनफिनाइट, इसका कोई एंड है। इन्होंने ये भी अस्यूम किया कि सॉइल जो है वो आइसोट्रॉपिक है, तो ये तीनों चीजें हम लिखते हैं कि सॉइल इज होमोजेनियस, and the soil is isotropic मतलब isotropic का मतलब होता है कि इसकी elastic properties जो है हर direction पे किसी point को आप pick कर लो उसके हर direction में elastic properties same हो, उसको कहते हैं isotropic, the soil is isotropic and
the soil is infinite, semi-infinite, I'm sorry. He assumed it to be semi-infinite. उन्होंने ये चार assumptions की थी और एक logarithmic stress function इन्होंने assume किया था जिसके मदद से इन्होंने ये solve कर दिखाया, ठीक है? So let us start. यह figure देख रहे हो, इस figure में Q क्या है? Q ये Q है point load. तो लिखना शुरू करता हूँ मैं. Let a point load Q, जो कि एक single concentrated load है, single concentrated load at the ground surface, at a point O, which may be taken as the origin of the x, y and z axis. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये है पॉइंट लोड Q, जो ये ग्राउंड सरफेस है. इस ग्राउंड सरफेस के एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है, मान लो वो O है. इस O पॉइंट को ओरिजिन मान के चलते हैं और यहाँ से मैंने x एक्सिस ड्रॉ किया है, y एक्सिस ड्रॉ किया है और नीचे की तरफ मैंने z एक्सिस ड्रॉ किया है. समझ में आ रहा है? इतनी बात मैंने बताई. Q क्या है? सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड है. समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं. तो हमको मान लो कि स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स एट अ पॉइंट, ये ग्राउंड सरफेस है, नीचे सॉइल में किसी पॉइंट P पे हमें निकालना है, जिसकी हमने दे दी है कोऑर्डिनेट्स x, y और z. जैसे कि जनरल केस में किया जाता है, हम लोग ने x, y और z लिया है. P पॉइंट पे हमें निकालना है कि कितनी स्ट्रेस एक्ट कर रही है. तो इस डायग्राम को अगर मैं कंप्लीट कर लूं, तो ये मेरी ग्राउंड सरफेस है, ये है रेडियल कंपोनेंट और यहां से मैं जॉइन करता हुआ नीचे की तरफ लूंगा, ये कुछ इस तरह से. दिस विल रिप्रेजेंट माय कैपिटल R और ये जो एंगल बनाएगी यहां पे, दिस एंगल इज बीटा एंगल, यानी कि दिस एंगल इज बीटा एंगल. ये जो है R है, कैपिटल R, दिस इज स्मॉल R. समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज द रेडियल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ये हॉरिजॉन्टल पे है, आप देख रहे हो ये ग्राउंड है, मतलब ये पेपर को देखो, ये ग्राउंड है. तो यहां पॉइंट Q है और ये जो डिस्टेंस है यहां तक, ये हॉरिजॉन्टल रेडियल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको हमने R लिया है, स्मॉल R. और ये कैपिटल R कनेक्ट कर रही है इस पॉइंट P को O से, ठीक है? अब ये जो डेप्थ है, ये z कंपोनेंट, ये डेप्थ है, मतलब ये जो है इतना, ये z है, दिस इज R, दिस इज स्मॉल R. समझ में आ रहा? तो अब बात करते हैं वो जो लॉगरिथमिक स्ट्रेस फंक्शन इन्होंने एज्यूम किया था यूजिंग द लॉगरिथमिक स्ट्रेस फंक्शन, यूजिंग द लॉगरिथमिक स्ट्रेस फंक्शन Bosinesq showed that, इन्होंने क्या लिखा है? He showed that the polar radial stress, may be expressed as, इसको express किया जा सकता है, it may be expressed as sigma r is equal to, इस expression को याद रखना, 3 by 2 q upon p, q upon pi
cos beta upon r square, क्योंकि हम सिग्मा आर निकालेंगे। यहाँ जो यहाँ पे लिखा गया है कि पोलर रेडियल स्ट्रेस, this is nothing but the polar radius. समझ में आ रहा? R is nothing but the polar radius. ठीक है। तो logarithmic stress function use करके इन्होंने जो expression लिखा था या फिर derive किया था, वो ये expression था। तो हम शुरुआत करते हैं इस expression से। Sigma is equal to 3 by 2 q upon pi cos beta upon r square. ठीक है, इस equation को मैं यहाँ पे demarcate कर रहा हूँ. So यहाँ पे जो r है, वो r square plus z square. ये r square क्या है? This point, ये x और y coordinate से बना हुआ होगा. यानी कि अगर ये x है और ये y है, तो ये देखो, ये x है, ये y है, तो r क्या हुआ? r square must be x square plus y square, है कि नहीं? तो वह अगर मैं इस ट्रायंगल को लेके चलूं, तो मैं कैपिटल r square would be small r square plus this z square, है कि नहीं? और small r square is nothing but x square plus y square plus z square. तो मेरी r कितनी हो गई? r हो गई यहाँ पे, it is x square plus y square plus z square to the power half, है कि नहीं? r की वैल्यू इतनी आ गई. एंड cos beta क्या है यहाँ पे, आप देखो जरा, cos beta यहाँ पे क्या है? This is beta, so cos beta is z upon r, base upon hypotenuse, so z upon r, है कि नहीं? cos beta. अब ये जो है, हमने पोलर रेडियल कंपोनेंट के हिसाब से लिखा. अगर मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिखूं, यानी कि मैं सिग्मा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे बन जाएंगे, ये r और ये z, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे. ठीक है, अगर मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिखूं, तो मैं इसको मिटाता हूं यहां पे, इन assumptions को मैं मिटा रहा हूं. तो अगर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अगर लिखो, तो मेरी करेस्पोंडिंगली सिग्मा z जो है वो आ जाएगी, वो वर्टिकल स्ट्रेस है. वर्टिकल स्ट्रेस इज सिग्मा z नथिंग बट इट इज इक्वल टू सिग्मा r cos स्क्वायर बीटा. एंड जो सिग्मा, जो टाउ आर जेड है, दैट इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस, इट इज इक्वल टू हाफ सिग्मा आर साइन टू बीटा. इस चीज को याद रखना. तो ये तीनों चीज है जिनको आपको याद रखना है, कि सिग्मा आर क्या है? 3 बाय 2 क्यू अपॉन पाई कॉस बीटा अपॉन आर स्क्वायर. सिग्मा जेड यानी कि द वर्टिकल स्ट्रेस एंड द टेंजेंशियल स्ट्रेस. वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा आर कॉस स्क्वायर बीटा, टेंजेंशियल स्ट्रेस इज हाफ सिग्मा आर साइन टू बीटा. ठीक है, अब अगर मैं इसको लेके चलूं कि सिग्मा जेड जो है सिग्मा आर कॉस स्क्वायर बीटा है, है कि नहीं? अब सिग्मा आर की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 3 बाय 2 सिग्मा आर क्या है? क्यू अपॉन पाई कॉस बीटा अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं? और यहाँ पे क्या है? cos square beta है, है कि नहीं? अब ये बन जाएगी 3 by 2 q upon pi, ये क्या हो जाएगा? cos cube beta upon r square, है कि नहीं? अब cos beta क्या है? z upon r है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 by 2 q by pi z upon r का cube upon r square. तो ये r cube और r square r fifth बन जाएगी, 3 by 2 q upon pi z cube upon r to the power 5. तो अगर मैं क्या करूं, मैं यहां पे 3 by 2 q by pi को रख रहा हूं, ऊपर क्या है? z cube है. अगर मैं इस z cube को z square से multiply कर दूं और यहां
r को z स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, वही चीज है एंड r टू द पावर 5, तो मैं कर क्या रहा हूं, ये ऊपर न्यूमरेटर में z टू द पावर 5 बना रहा हूं। अब z टू द पावर 5 बनाने से फायदा क्या होगा मुझे, अब देखो कि जो r है उसकी वैल्यू क्या है, दिस r इज r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है ना, r की वैल्यू क्या है, इट इज r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं कैपिटल r की जगह r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर हाफ और पहले से 5 था तो इट इज 5/2, तो यहां पे अगर मैं इसको मिटा रहा हूं ये z को अंदर लेता हूं एंड इसको सॉल्व करता हूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा 3 cube upon 2 pi, it will be z cube, ये हो जाएगा अगर z cube, z fifth को मैं नीचे ले रहा हूँ, ठीक है, it will be z square यहाँ तक, ये मैंने एक चीज बना ली यहाँ पे 3 cube upon 2 pi z square, ये z fifth को अंदर ले गया, तो it will get reduced to 1 upon 1 plus r by z का स्क्वायर होल टू द पावर 5/2, ये यहां तक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, यहां तक रिड्यूस हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना, दिस इज अबाउट सिग्मा z, 3 cube upon 2 pi z square, 1 upon 1 plus r by z का स्क्वायर टू द पावर 5/2। अब उसी तरह से ठीक अगर मैं tau rz की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, tau rz की वैल्यू, ठीक है, तो tau rz क्या है, इट इज हाफ सिग्मा r sin 2 बीटा, sin 2 बीटा मतलब 2 sin बीटा cos बीटा, आप sin बीटा cos बीटा की वैल्यू डालिए, सिग्मा r की वैल्यू डालिए, जैसे इस इक्वेशन में किया गया है, ओनली थिंग यू नीड टू डू इज ये हाफ सिग्मा r sin 2 बीटा की जगह आप लिख दोगे 2 sin बीटा cos बीटा, है कि नहीं, और sin बीटा cos बीटा की वैल्यू डालो ये कैंसिल हो गया और सिग्मा r की वैल्यू डालो, तो आज जब आप डालोगे और उससे आप इस तरह से कॉमन निकाल दोगे तो आपकी tau rz की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, tau rz की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसी तरह से 3 QR upon 2 pi z cube whole into 1 upon 1 plus r by z का स्क्वायर टू द पावर 5/2, समझ में आ रहा है, ये तो बाकी सब मैं बता रहा हूं यहां पे, एग्जाम में पूछे तो इतना करना पड़ता है हमें, तो पहले तो मैं सिग्मा आर की वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, सिग्मा आर जो पहले हमने निकाला था वो क्या था, 3/2 q upon pi cos theta upon r square, समझ में आ रहा है, फिर हमने सिग्मा z निकाला, सिग्मा z की वैल्यू क्या है, 3 q upon 2 pi, यहाँ पे सिर्फ एक z square और ये हो जाता है 1 upon 1 plus r by z का square और इसके whole का 2 the power 5/2, और मेरी tau rz जो है वो कितनी होगी, 3 cube by 2 pi z square, और यहाँ पे एक r by z multiply कर दो, यानी कि r और z multiply करने से क्या हो जाएगा, z cube होल इनटू वही चीज है 1 प्लस r by z का स्क्वायर टू द पावर 5/2, समझ में आ रहा, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 लेता हूं, इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 को ध्यान से देखना, अगर इक्वेशन 2 को मैं इस तरह से लिखूं सिग्मा z इज इक्वल टू, इसी को मैं अगर लिखूं कि इट इज इक्वल टू kb q upon z square,
तो यही चीज को मैं यहां पे kb into q upon z square लिख रहा हूं. मतलब क्या क्या मैंने kb की वैल्यू कितनी होगी, kb is equal to 3 upon 2 pi whole into 1 upon 1 plus r by z का square to the power 5 by 2. है कि नहीं, ये बन गई kb की वैल्यू. यहां पे kb को कहा जाता है दिस kb is Boussinesq influence factor. ये होता है Boussinesq influence factor and this Boussinesq influence factor is dependent on the ratio of r upon z. r by z की जो वैल्यू होगी अलग अलग वैल्यूज पे ये kb की वैल्यू चेंज करेगी. तो कुछ नहीं, सिग्मा z यानी कि वर्टिकल स्ट्रेस जो है इट इज kb टाइम्स q upon z square. As simple as that. जहां पर kb की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी है, ये है. Thus, if it is required to find the vertical stress at a point situated at a radial distance r and at a depth z below the loaded point, find the influence factor of r by z for r by z ratio and then multiply it by q by z square to get the vertical stress. समझ आ रहा है? And और एक बार एक direct equation बनता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर the intensity of pressure, intensity of vertical pressure directly below the point of load, ये point of load है, इसके below vertical stress हमें निकालना है, तो direct equation बनता है 0.4775 q upon z square. इस चीज को याद रखना, आपको q दी गई होगी और कितनी vertically नीचे है z दिया होगा, तो sigma z is equals to 0.4775 q upon z square. Right? This is all about Boussinesq equation. In our next video, we will be discussing कि isobar diagrams कैसे draw करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे vertical pressure under a uniformly loaded circular area कैसे निकाला जाता है. ठीक है?